अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आया हूं कैनन के कुछ बॉडी एंड साथ में निकॉन की भी बॉडी लेके आया हूं एंड साथ में कुछ लेंस भी लेके आया हूं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर लाजमी क्या करो और वीडियो को पूरा देखो, कहीं स्किप मत किया करो। एंड जो दूसरी बात है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करो, जो भी नई वीडियो दे आपको अपडेट मिलता आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास पड़ा हुआ है निकॉन का d5300 एंड डी बाउंस हमारे पास रेड कलर में पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आपको 24 मेगापिक्सल मिल जाता है एंड माइक ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड इसके अंदर आप ऑटो फोकस पॉइंट भी है। एंड ऑटो फोकस पॉइंट आपको अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाती है। अगर आपने यूट्यूब के लिए काम करना है या टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाती है, तो आपके लिए माइक ऑप्शन के बगैर आपका कोई यूट्यूब के लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो ये निकॉन का d5300 मॉडल है एंड रेड कलर में है और इसका जो प्राइस है 40K में है, 40,000 रुपये में है एंड साथ में 18 लेंस एंड बैटरी चार्जर कार्ड के साथ ही मिल जाता है। तो ये निकॉन का d5300 मॉडल है जिसके अंदर आपको ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं एंड ये 24 मेगापिक्सल है और माइक ऑप्शन है, यूट्यूब के लिए बेस्ट ऑप्शन है और अगर ब्लॉगिंग करनी तो ब्लॉगिंग के लिए भी अच्छी ऑप्शन है। तो उसके बाद हमारे पास जो पड़ा हुआ है निकॉन का d3500 मॉडल पड़ा हुआ है, ये भी रोटेटेबल LCD है, ये भी 24 मेगापिक्सल है, इसके अंदर भी माइक ऑप्शन है, इसके अंदर भी ऑटो फोकस पॉइंट आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आपको अच्छी चीज़ में, इसके अंदर आपको वाईफाई भी मिल जाता है जो आपको d5300 के अंदर नहीं मिलता। इसके अंदर भी ऑटो फोकस पॉइंट है, ये भी ब्लॉगिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो निकॉन का d5300 एंड ये 5300 मॉडल था। लेकिन ये 5300 का जो प्राइस है ये 55K में है और कंडीशन आप लोग देख सकते हो साफ सुथरी कंडीशन में है, 10x10 कंडीशन में है एंड साथ में बुक्स भी मिल जाता है, बैटरी चार्जर कार्ड एंड 3 मंथ्स वारंटी भी साथ में मिल जाती है। तो ये निकॉन का d3500 मॉडल है जिसके अंदर आपको 24 मेगापिक्सल मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है एंड ऑटो फोकस पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो निकॉन का एक और ऑप्शन पड़ा हुआ है, निकॉन का d3200 मॉडल पड़ा हुआ है जो आपको इसके अंदर फिक्स LCD मिल जाता है, रोटेटेबल LCD नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है एंड ऑटो फोकस पॉइंट भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो ये निकॉन का 10.8 कंडीशन बॉडी है, d3200 जो आपके लिए अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। यूट्यूबर के लिए जो 30 से नीचे बजट रखते थे या 30 बजट है तो उसके अंदर आपको 30 के अंदर आपको d3200 ऑप्शन आ जाता है विद 18-55 लेंस के साथ। तो ये निकॉन का d3200 मॉडल है, इसके अंदर माइक ऑप्शन है, 24 मेगापिक्सल। तो उसके बाद हम चलते हैं निकॉन का d7000 हमारे पास पड़ा हुआ है जिसके अंदर आपको माइक ऑप्शन भी मिल जाए, लेकिन ये फोटोग्राफी की अच्छी ऑप्शन है और इसकी जो कंडीशन है 10x10 कंडीशन है और इसकी जो बॉडी का प्राइस है 40,000 रुपये, जस्ट बॉडी का प्राइस 40,000 है और इसकी कंडीशन 10x10 के लिए निकॉन का d7000। इसके अंदर वीडियो ऑप्शन है लेकिन ये इसके अंदर आप वीडियो के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फोटोग्राफी की अच्छी ऑप्शन है। अगर बिगिनर लेवल की मैं बात करूँ, जिसने स्टार्ट करना फोटोग्राफी, तो उसके लिए निकॉन का d7000 अच्छी ऑप्शन है एंड इसके अंदर जो है ना आपको माइक ऑप्शन भी मिल जाए, वीडियो ऑप्शन भी है। तो इसका जो प्राइस है 40K जस्ट बॉडी का। चलते कैनन का 60D, हमारे पास दो बॉडीज पड़ी हुई लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी सी रफ है, जो साथ दूसरी बॉडी उस कंडीशन साफ सुथरी है। तो इसका जो प्राइस खाली बॉडी के 40,000 रुपये है एंड अगर आपने 18x7 लेंस लेना है तो उसका जो प्राइस है उसका आपको 45K मिलेगा विद 32GB कार्ड एंड बैग एंड 3 मंथ वारंटी भी हम साथ में देते हैं। तो एक नाम का 60D मॉडल है जिसके अंदर आपको माइक ऑप्शन भी मिल जाता है एंड अगर आपने बिगिनर लेवल की स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा कैनन का 60D मॉडल, जिसकी बैटरी टाइमिंग सबसे बेस्ट है एंड इसकी अगर वीडियो की आप क्वालिटी की बात करें तो वो भी सबसे बेस्ट है। कैनन का 60D ऐसा मॉडल है जो आपको एक बात बोलूँ, 2013-2014 के अंदर अब ये बंद हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है एंड इसकी अभी भी प्राइस वही है। अगर मैं बात करूँ 2013-2014 अगर ये बंद हुआ तो उस टाइम इसका यूज़ के अंदर जो बॉडी का प्राइस था 40-50 के दरमियान ही चल रहा था, लेकिन इसकी बॉडी के जो अब नए के जो कंडीशन की साफ सुथरी की बॉडी के प्राइस की बात करें तो उसकी प्राइस ऊपर चली गई हुई है बजाय नीचे की तरफ से, क्योंकि इसकी वर्थ इतनी कम, जितना मर्जी इसको चलाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहना क्या 60D इसी जो बॉडी है जो आपको बहुत, अगर फोटोग्राफी की बात करें, अगर वीडियो की बात करें तो ये टाइमिंग भी इसकी बैटरी की ज़्यादा है क्योंकि इसकी बैटरी के जो मैंने बताया 18 mAh वाली बैटरी इसके अंदर है। तो इसका जो प्राइस है खाली बॉडी का 40 का है एंड साथ में अगर बैटरी 18 mAh लेंस लेना है तो 45 का है और ये कंडीशन 10.8 कंडीशन में है। कैनन का 60D मॉडल है, अगर आप लोग देख सकते हो इसका रोटेटेबल LCD भी है एंड इसके इसका, तो ये कैनन का 60D मॉडल है जो कंडीशन थोड़ी सरफ है। तो उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है कैनन का बिल्कुल 10x10 कंडीशन है, नई बॉडी है जो आपको मैं एक बात बोलूँ, बिल्कुल नई का मतलब ये कि इसका जो शटर अकाउंट है सिर्फ 4000 शटर अकाउंट चला हुआ है, बिल्कुल 10x10 कंडीशन बॉडी है और इसका जो खाली बॉडी का प्राइस है 52 का है, 52,000 रुपये खाली बॉडी का प्राइस है और इसकी कंडीशन बिल्कुल नई कंडीशन है। आप लोग देख सकते हो इसकी कंडीशन 10x10 कंडीशन बॉडी है और कहीं से इसको स्क्रैच नहीं लगा हुआ है, कहीं से इसको कोई कलर नहीं गया हुआ है, बिल्कुल नई कंडीशन में है और इसका जो शटर काउंट है सिर्फ 4000 चला हुआ है एंड इसका अगर प्राइस की मैंने बात की तो 52,000 रुपये का इसका प्राइस है सिर्फ बैटरी चार्जर और कार्ड के साथ, स्ट्रिप के साथ, लेंस साथ में नहीं। अगर आपने लेंस साथ में लगाना है तो इसका प्राइस 56K चला जाता है, 56,000 रुपये का इसका है 18% के साथ। तो कंडीशन बिल्कुल नई कंडीशन है और 60D का जो मैंने पहली बात की आपको कि ये जो बॉडी है सबसे बेस्ट बॉडी है। अगर आप कैनन की तरफ देखते हैं, निकॉन के 3500 की तरफ देखते हैं तो निकॉन
कि 5300 के अंदर आपको पिक्चर अच्छे मिल जाते हैं लेकिन उसकी बैटरी टाइम इतनी नहीं है, और जो हमारा कैनन 60D मॉडल है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इसका जो प्राइस मैंने बताया 56K विद 18 फुल लेंथ। तो उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है कैनन का दो बॉडीज 700D एंड 550G पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं 550G की बात करूँगा कि इसके अंदर आपको पिक्सल LCD मिल जाता है, यही वर्जन है 700D और 550G, ये एक ही वर्जन है, जैसा 550 650 700 आता है। तो इसके अंदर आपको पिक्सल मिल जाता है, इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है, एंड इसका 18 मेगापिक्सल कैमरा है, 24 मेगापिक्सल जो निकान का 24 मेगापिक्सल इसका 18 मेगापिक्सल कैमरा है। तो इसकी कंडीशन 10x10 कंडीशन है, और आप लोग देख सकते हैं इसको, जो इसका प्राइस है 35,000 रुपये है कैनन का 550G। तो उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो कैनन का 700D मॉडल पड़ा हुआ है, जो हमारा रोटेटेबल LCD है, एंड उसके बाद इसके अंदर टच LCD भी हमें मिल जाता है, जिस तरह के हमने टच करना है, तो इसका ऑटो बुक्स पॉइंट भी अच्छे हैं, 30 ऑटो बुक्स पॉइंट है, एंड इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है, एंड इसको आप यूट्यूब के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टिकटॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर ऑटो बुक्स पॉइंट भी है। तो इसका जो प्राइस है 50,000 रुपये कैनन का 700D मॉडल है, जिसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है, टच LCD मिल जाता है, एंड आपको ऑटो बुक्स पॉइंट भी मिल जाता है, इसका 30 ऑटो बुक्स पॉइंट है। और इसकी कंडीशन की अगर बात करें तो कंडीशन इसका 10:9 कंडीशन है, कैनन का 700D मॉडल है, आप लोग देख भी सकते हो इसकी कंडीशन। तो उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास कैनन का एक और मॉडल पड़ा हुआ है, ये मिररलेस कैमरा है, और इसके अंदर आप लोग टच LCD भी मिल जाता है, एंड उसके बाद इसके अंदर आपको ऑटो बुक्स पॉइंट भी मिल जाता है। ये कैनन का M10 मॉडल है, जो बाद में ब्लॉगिंग के लिए अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, एंड ये मिररलेस कैमरा है कैनन का M10, जो साथ में आपको 15-45 लेंस मिल जाता है, और रोटेटेबल LCD भी आप लोग देख सकते हो, मैंने LCD रोटेट भी किया हुआ है, और हम इस तरह फिक्स भी कर सकते हैं इसके LCD। तो इसकी जो कंडीशन है बिल्कुल 10x10 कंडीशन, और इसका जो प्राइस है 35K है, 35,000 रुपये है, और कैमरे की कंडीशन अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल नई कंडीशन में है, विद आपको बैटरी चार्जर कार्ड एंड 3 मंथ वारंटी के साथ मिल जाता है। कैनन का M10 मॉडल है, अगर आप ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करना है तो बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास निकॉन के अंदर एक दो लेंस पड़े हुए, एक जो सबसे पहले हमारे पास पड़ा हुआ है 28-300 लेंस पड़ा हुआ है, ये टिमरॉन के अंदर है, VC है, जिस तरह कैनन के अंदर आपको आता है STM, तो निकॉन के अंदर VC आता है, और ये टिमरॉन का है, टिमरॉन के अंदर भी VC आपको मिल जाता है। तो ये VC है, एंड उसके बाद इसका जो प्राइस है 35K 35,000 रुपये, लेकिन ये इनडोर भी है एंड आउटडोर भी, 28-300 लेंस है ये निकॉन का टिमरॉन है, लेकिन इसके अंदर VC ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिस तरह VR निकॉन के अंदर आता है एंड कैनन के अंदर STM आता है, लेकिन टिमरॉन के अंदर VC आता है। तो ये वीडियो के अंदर शोर भी नहीं करता, ये एंडोर भी है आउटडोर भी चलता है, 28-300 जिसका प्राइस मैंने आपको बता दिया 35 के। अगर कंडीशन की बात हम बात करें तो कंडीशन की 10x10 कंडीशन बिल्कुल नया लेंस है। तो उसके बाद चलते हैं, हमारे पास कैनन का निकॉन का पड़ा हुआ है 70-300 लेंस, जो हमारे पास मैनुअल लेंस पड़ा हुआ है, और जिसकी प्राइस की मैं बात करूं तो इसका जो प्राइस है वो 9,000 रुपये है, और ये बड़ी बॉडी जितनी भी 7100 या 7000 हो गया तो उसके ऊपर ये ऑटो चलता है, लेकिन अगर आप 3100 या 5300 की बात करें तो उसके अंदर ये मैनुअल चलता है। तो इसका जो प्राइस है 9,000 रुपये है, और ये 70-300 निकॉन।